Good afternoon, class 7. So today we are going to do the different activities or exercises from the lesson class from the lesson 8, A Tiger Comes to Town, part 1. So let us see what are the exercises that is in your book. Last time I gave you the explanation about the different words, difficult words of the vocabulary, and I hope you all have written it in your notebook and learn it properly. So now today let us go to other exercises. Now number A is ticking the correct options. Options ko tick karna hai. Number one, I found them being fleeing before me like a herd of deer. Here I stands for the narrator, the tiger, the ringmaster, the principal. जैसे यहाँ पे A and B ये confusion के लिए दिया है, आप लोगों को जो सही लगता है वो आप लोग एक को टिक कर सकते हैं. Now let us move to 2, 3, 4, and 5. The dash tore a horse from its carriage. यहाँ क्या होता है? Prisoner, constable, tiger, master. Carriage से horse को किसने फ्री किया, अतः उसको कैरेज से अलग किसने किया, वो लिखना है. पैसेज में जाएंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा. द टाइगर वॉन्टेड टू डैश पीपल नॉट टू फियर एश्योर मे बी इजेंट इट दैट इज द आंसर. नंबर फोर, नाउ दैट इज दैट दिस ब्रूट इज सेफली लॉक्ड अप, हु सेड दिस लाइन. गो थ्रू द पैराग्राफ्स, यू विल गेट द आंसर. नंबर फाइव, द ह्यूमन बींग थिंक्स All other creatures are, क्या सोचते हैं human beings दूसरे creatures के बारे में, what are they, आप लोगों को ये भी paragraph में मिल जाएगा. Now let us move to another part, number B, fill in the blanks with the right forms of the given verbs. यहाँ पे verbs का right form लिखना है. ये story का sentences है, autobiography का sentences है, so हम लोग इसको past में ही लिखना है. Run, think, block, run, seem, ये सब इसका past tense में लिखना है. So try to do it. Now let us move to our main part of the exercise, that is question answer. Number one, how did human beings appear to the tiger while he was performing in a circus? जब circus में tiger perform करता है, अपना activities perform करता है, तो उस time human beings का जो दिखावा है वो कैसा, अथवा किस तरीके से ह्यूमन बींग रिएक्ट करता था टाइगर के ऊपर, ये लिखना है आप लोगों को. नंबर टू, व्हाट फनी थिंग्स हैपन्ड एज द टाइगर रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन. टाइगर मार्केट में आया था, टाउन के मार्केट में, तो उस टाइम फनी थिंग्स जो हास्य व्यंग्य टाइप का दृश्य क्या क्या हुआ था उसके बारे में लिखना है. नंबर थ्री, वाई डिड पीपल लिविंग इन ब्रिक एंड सीमेंट हाउस फील नर्वस. यहाँ पे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो कच्चा हाउस में है, जो मड एंड हे से बना हुआ घर में अथवा मकान में बैठा हुआ है, उन लोगों को परेशान होना ठीक बात है. टाइगर के आने के बाद में ये उन लोग, क्योंकि ये वीक घर है, कभी भी टाइगर अंदर आ सकता है, तोड़ के देवल को फाड़ के आ सकता है. लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ब्रिक्स सीमेंट के बनाया हुआ घर में, रड से बनाया हुआ घर में रहता है, वो लोग क्यों चिंताजनक देख रहा है, वो लोग इतना चिंता क्यों ले रहा है, तो आप लोग इसका रीज़न लिखना है. यू विल फाइंड इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ टाइगर, लेसन में मिलेगा आप लोगों को. नंबर फोर, व्हेन डू टाइगर्स अटैक, हाउ आर ह्यूमन बींग इन्फेरियर टू टाइगर्स इन दिस रेस्पेक्ट. टाइगर कब अटैक करता है, कब वो दूसरे के ऊपर प्रहार करता है अथवा दूसरे को चोट पहुँचाता है, और ये रेस्पेक्ट में इसको आदर मानते हुए ह्यूमन बींग्स टाइगर के तुलना में अथवा टाइगर के कंपेयरिंग में तुच्छ नीचे क्यों है, ये लिखना है आप लोगों को. फाइव, How what did the headmaster do when he saw the tiger? Did he look dignified behaving in this manner? Now यहाँ पे
बताया गया है कि हाउ व्हाट डिड द हेडमास्टर डू व्हेन ही सॉ द टाइगर। हेडमास्टर ने क्या किया जब वो टाइगर को देखा, उसने टाइगर को देखा। डिड ही लुक डिग्निफाइड बिहेविंग इन दिस मैनर। उसको सभ्य, उसको ये जो बिहेविंग कर रहा था टाइगर को देख के, वो देख कर कोई उसको सम्माननीय कह सकता है, अतः उसको रेस्पेक्ट देने का एक्टिविटी कर रहा है वो? मे बी नॉट, बिकॉज एक बच्चे जैसा एक्टिंग कर रहा था वो, एकदम घबराया हुआ। सो इन दिस वे यू कैन मेक अप योर आंसर्स इन अ वेरी करेक्ट वे, इन अ वेरी सेंसिबल वे। ट्राई टू फाइंड फ्रॉम द पैराग्राफ्स, एंड इफ यू अगेन हैव द प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू डिफरेंट मीडियाज दैट हैज़ बीन मैनेज फॉर यू बाय द स्कूल मैनेजमेंट। नाउ लेट अस सी हॉट्स। डू द वर्ड्स बीस्ट एंड ब्रूट्स हैव अ प्लीजेंट connotation? Do these words imply that man considers himself inferior or superior to animals? अब यहाँ पे beast और brutes, अच्छा सुनने में अच्छा है ये शब्द, अथवा ये animal के लिए ये matchable है, animal को हम लोग ये कह सकते हैं, और किसको कह सकते हैं? और ये तुलना में do these words imply that man considers himself inferior or superior? ये आदमी जो आदमी को इस हिसाब से कहेंगे कि इन्फेरियर है कि सुपीरियर है, वो लोग उच्च पद का है या नीचे पद का है, आप लोग इस किस्म का एक दृश्य अथवा एक दृश्य दिमाग में रखकर आप लोग इसका एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं इन योर ओन लॉजिकल वे। सो डियर स्टूडेंट, दिस वर ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ योर चैप्टर 8 लेसन ऑफ योर चैप्टर 8। विल बी डूइंग ग्रामर इन नेक्स्ट क्लासेस लेटर ऑन। टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड ट्राई टू डू ऑल द एक्टिविटीज दैट आई हैव गिवन टू यू ऑन टाइम सो दैट यू मे लर्न समथिंग फ्रॉम इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। Have a nice time. Thank you and bye-bye.